आज हमारे बीच हैं डिफेंस ऑफिसर एकेडमी के डायरेक्टर सूरज आर्य जी। सूरज आर्य जी जो हैं इंजीनियरिंग जो है बैकग्राउंड से हैं, लेकिन टीचिंग का इन्हें बड़ा पैशन है और टीचिंग के मामले में इनकी बड़ी गहरी जो है दिलचस्पी है। बच्चों के प्रति इनका बड़ा लगाव है और इसी कारण ये इंस्टीट्यूट दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है और एक मुद्दत तक जो है सुबह 6 बजे से आकर रात के 10 बजे तक इन्हें नेहरू कॉलोनी के इंस्टीट्यूट में देखा गया है। सफलता के पीछे ये इनकी कहानी भी है। सूरज जी, आप बताएंगे कि आपके कौन कौन से कोर्सेज हैं? जी जी सर, सर हम वैसे डिफेंस ओरिएंटेड हमारा कोचिंग सेंटर है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी, जिसमें हम लोग आरआईएमसी सैनिक स्कूल आरएमएस ये सारे जूनियर बच्चों के लिए हैं अप टू द लेवल ऑफ 9th, और इसके अलावा फिर जो सीनियर बच्चे हैं 11th 12th उनके लिए NDA है, फिर ग्रेजुएशन लेवल के लिए CDSE है, CAPF है, और इसमें टेरिटोरियल आर्मी भी है, एक ACC एंट्री होती है आर्मी के जवानों के लिए ऑफिसर बनने के लिए वो भी है, AFCAT भी है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, और आप ये कह सकते हैं कि अप टू द लेवल ऑफ टेरिटोरियल आर्मी है। तो इसमें हम लोगों ने सारे ही ऑफिसर्स ग्रेड के जितने भी कोर्सेज हैं सारे ही लिए हैं, मतलब अगर एक बच्चे को ऑफिसर बनना है तो उसकी हम लोग तैयारी करवाते हैं बच्चे को। आप ये बताइए कि पिछले 4 साल से ये डिफेंस ऑफिसर एकेडमी चला रहे हैं जी, अभी हाल में ही आपने मार्च में अपना जो है सीनियर विंग स्टार्ट की है जी, और जानकारी में आया कि सीनियर विंग में भी आपने अच्छी तरक्की की है, बड़ी छलांग लगाई है तेजी के साथ, उसका श्रेय आप किसे देंगे? सर जब हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तो काफ़ी कम बच्चों के साथ हमने शुरू किया, लेकिन क्योंकि मेरा पढ़ाना एक पैशन है तो मैंने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया, तो एक साल के अंदर ही हमें रिजल्ट्स देखने को मिल गए थे RIMC में और सैनिक स्कूल में शुरू में, फिर धीरे 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 वो रिजल्ट्स NDA में भी दिखे हमें और CDS में भी दिखे, और ACC जो बेसिकली जो डिफेंस पर्सनल्स के लिए है अगर वो ऑफिसर्स बनना चाहें उसमें भी हमें तरक्की मिली और रिजल्ट्स देखने को मिले। बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि हम बच्चे को अच्छी एजुकेशन दें ताकि बच्चा ग्रो करे ओवरऑल, क्योंकि हम लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत काम करते हैं, और रिजल्ट तो सर मुझे लगता है कि वो एक बाय प्रोडक्ट है, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे। हाँ, लेकिन रिजल्ट्स ज़रूरी हैं पेरेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जो लोग जो जज करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट को, जो आकलन करते हैं कि हाँ ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसा है, तो रिजल्ट्स उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एकेडमी के लिए रिजल्ट से ज़्यादा बच्चे की ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है। हमारा मानना है कि रिजल्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट, रिजल्ट नहीं आएगा तो आपके टिक पाना आप लोगों को मुश्किल होगा। सर ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कॉम्पिटिशन है, हमारे ही जैसे बहुत सारे और कोचिंग सेंटर्स हैं यहाँ पर, तो मैंने आपसे कहा कि जैसे पेरेंट्स अगर किसी को हमारे यहाँ एडमिशन लेना होगा तो ज़रूर वो रिज़ल्ट देखेगा, तो लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप मेन जो प्रोसेस है बच्चे की ग्रोथ पे और एकेडमिक्स में अगर आप फोकस करोगे तो वो बाय प्रोडक्ट है, वो आना ही आना है, वो ऑटोमेटिकली आएगा, तो हमारे भी रिजल्ट्स हैं तो इसलिए फिर पेरेंट्स भी आते हैं। पुराने रिजल्ट जो है बताएंगे आप कि डिफरेंट कोर्सेज में आपने क्या क्या अचीवमेंट्स किए? सर RIMC के बारे में सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको, RIMC में उत्तराखंड की सिर्फ एक ही सीट है ऑफिशियल, और हर स्टेट्स की एक एक सीट है UP के अलावा, UP थोड़ा बड़ा स्टेट है तो वहाँ की 2 सीट्स हैं, तो आप लगा लो कि ऑल ओवर इंडिया 25 बच्चों का ही इनटेक है RIMC में, तो हर स्टेट से लगभग एक सीट्स का आप अनुमान लगा सकते हैं, तो हमारे यहाँ हर साल एक बच्चा RIMC में ज़रूर निकलता है, रिटर्न क्वालिफाई ज़रूर करता है, वो हमारे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके अलावा सैनिक स्कूल्स में हमारे काफ़ी बच्चे हैं, नंबर अगर मैं बताऊं तो कम से कम 30-35 बच्चों ने हमारा रिटर्न क्वालिफाई किया, उनमें से 17-18 बच्चों का आपका सिलेक्शन वहाँ पर हुआ, लेकिन बहुत कम बच्चों ने हम ज्वाइन किया सैनिक स्कूल में, ये भी बताना चाहूँगा क्योंकि बहुत जो हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ बच्चे हैं वो RIMC ओरिएंटेड हैं, तो वो बच्चे चाहते हैं कि हम RIMC ज्वाइन किए, तो बहुत कम बच्चों ने हमारे अकेडमी से सैनिक स्कूल ज्वाइन किया। मतलब RIMC में बच्चों की दिलचस्पी ज़्यादा है, कंपेरेटिवली जो है सैनिक स्कूल बच्चों की भी ज़्यादा है और पेरेंट्स का भी अटेंशन ज़्यादा है। हाँ, पेरेंट्स का भी अटेंशन ज़्यादा है क्योंकि RIMC इज़ नंबर 1 सर, नंबर 1 है। सीट्स बहुत लिमिटेड है, कॉम्पिटिशन टफ है, एग्जाम इज़ नॉट टफ बट कॉम्पिटिशन टफ है क्योंकि सीट्स मेरिट्स काफ़ी हाई जाती होगी। हाँ कह सकते हैं सर, रिटर्न एग्जाम ही काफ़ी कम बच्चे निकालते हैं। इसके अलावा और किस किस एग्जाम में आपके रिजल्ट बढ़िया रहे हैं? इसके अलावा सर NDA में हमारा रिजल्ट है, NDA में हमारे इसी साल 3 बच्चे निकले हैं और CDSE में हमारे 2 बच्चे निकले। बच्चों ने क्वालिफाई किया है?
सर तीन बच्चों ने ही क्वालिफाई किया और उसमें से दो बच्चे हमारे रिकमेंड हुए इंटरव्यू के बाद. CDSE में हमारे बच्चे निकले हैं, रिकमेंड हुए हैं. OTA में हमारी एक लड़की ने अभी क्वालिफाई किया. और उसके अलावा ACC मैंने बताया था, आर्मी कैडेट कॉलेज, जो जवानों के लिए हैं, तो दो बच्चों ने उसमें भी हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया. और आपकी भावी योजनाएं क्या हैं? सर आगे की योजनाएं यही हैं कि हमें और जो कोर्सेज हैं जो छूट गए हैं, जैसे AFCAT है, CAPF है, TA है, टेरिटोरियल आर्मी, हमें इसमें भी रिज़ल्ट देना है. और मैं यही चाहता हूँ कि बच्चा कहीं ना कहीं हमारे अकेडमी से कुछ सीखे और ग्रो करके यहाँ पर जाए, क्योंकि अगर उसका एट दैट मोमेंट अगर उसका कहीं सिलेक्शन नहीं भी होता तो लेटर ऑन डेफिनेटली फ्यूचर में कहीं ना कहीं उसको ज़रूर हेल्प मिलेगी और कहीं ना कहीं वो ज़रूर चमकेगा या सक्सेस पाएगा लाइफ में. इंडियन प्लान के दर्शकों को से निवेदन है कि वो इस तरह की जानकारियाँ रोचक और ज्ञानवर्धक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, तभी उन्हें ये रोचक जानकारियाँ मिल पाएंगी. ये सारी जानकारियाँ आप तक मुफ्त में हैं, इसका कोई पैसा आप लोगों को नहीं देना है.